ભારતના વિવિધ વિસ્તારોમાં અંગદાન, સ્પાઇક કેન્સર વેક્સિન, સ્ત્રી સશક્તિકરણ, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની જાગૃતિ માટે 2200 કિલોમીટરના સફરે નીકળેલી રોટરી ક્લબની 72 જેટલી બહેનો વાપી ખાતે આવી પહોંચતા તેમનું રોટરી ક્લબ ઓફ વાપી દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. પુણેથી નીકળેલ 72 જેટલી મહિલાઓ જાતે કાર ડ્રાઇવિંગ કરી વિવિધ રાજ્યોમાં જઈ અંગદાન અને સ્પાઇક કેન્સર વેક્સિન, સ્ત્રી સશક્તિકરણ અને બેટી બચાવો બેટી પઢાઓનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ બહેનોએ જાતે કાર ચલાવી વાપી ખાતે આવી પહોંચતા તેમનું રોટરી ક્લબ દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3131 पूना और रायगढ़ का है. हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है डॉक्टर शैलेश पालेकर, उनकी मैं बीबी हूँ, पत्नी हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट में उसको फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. और ये हमारी जो रैली है उसकी मैं ग्रुप लीडर हूँ, टीम लीडर हूँ. आगे आप क्वेश्चन खास करके ये जो पूरा आपका जो एम है क्या है और अब तक कहाँ से कहाँ तक आप कार के हमारा पर्पज चार चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली आए हैं. एक है ऑर्गन डोनेशन है, दूसरा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, वुमन एम्पावरमेंट और बेटी बचाओ. तो मैं दो चीज़ों के बारे में कहना चाहूँगी, बाकी दो चीज़ें हमारी और एक मेंबर है जो ग्रुप कन्वीनर है वो बताएंगी. ऑर्गन डोनेशन जो अवयवदान कहते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है. हम नेत्रदान सुन चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि ऐसी अगर कंडीशन है कि जिसमें दिमाग कोमा में है या ब्रेन डेड है, ब्रेन स्टेम डेथ है लेकिन हृदय चल रहा है, तो हम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं. जैसे कि एक्सीडेंट केस में देखते हैं कोमा में रहता है पेशेंट और उनको फिर बोलते हैं डॉक्टर कि आप घर लेके जाओ, कुछ इलाज नहीं हो सकता है, ये आदमी नहीं बचेगा, घर जाते ही उसकी डेथ होना पक्का रहती है. लेकिन अगर हॉस्पिटल में ये एक सिचुएशन है, आप बोल सकते हो डॉक्टर्स को हम इसके ऑर्गन्स डोनेट करने चाहते हैं, जैसे किडनीज है, लिवर है, हार्ट है, फुफ्फुस है, लंग्स है, सारी चीज़ें ये डोनेट अगर करते हैं तो 8 लोगों को हम जीवनदान दे सकते हैं. दूसरा है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, जो कि बच्चे धन के उनका कैंसर है और ये आजकल स्तन कैंसर के बाद ये स्तन 2 नंबर पे है जिसकी वजह से मृत्यु अटल है अपने देश में. ये बहुत बड़ी पैमाने में दिखता है आजकल. मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे लगा कि कुछ मैं लोगों के लिए करूँ और इसलिए हमने ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने लिया. जैसे रूबेला वैक्सीनेशन हम लोग करते चले आ रहे हैं रोटरी की तरफ से, पोलियो वैक्सीनेशन करते चले आ रहे हैं, तो इस साल हमने सर्वाइकल वैक्सीनेशन का सोचा है. 9 से 14 साल की उम्र में अगर हम बच्चों को, लड़कियों को अगर ये वैक्सीन दे, 2 डोज लगते हैं उसके, अगर ये लसीकरण हो जाता है तो बच्चे की नानी के मुंह का कैंसर नहीं होता है. हम ये और जो 2 मैसेजेस हैं वो मेरी सहेली आपको बताएंगे, लेकिन ये 2 जो है हम ये ना से निकले हैं. भुसावर में हम पहले दिन गए, दूसरे दिन हम मध्य प्रदेश रतलाम तक आए, तीसरे दिन हम उदयपुर आए, आज चौथे दिन आपके बड़ौदा होके आज वापी पहुंचे हैं हम. और इसका उद्देश्य ये है कि हम कार में सब जगह स्टिकर लगाए, हर जगह ये मैसेज दे रहे हैं, जहाँ जहाँ मिलते हैं हम लोगों को सबको हम इसके बारे में बताते जा रहे हैं. अभी तक लोगों को पता नहीं है कि ये वैक्सीनेशन हो सकता है, अवयवदान हो सकता है, तो हम मित्रता भी बढ़ाना चाहते हैं. जैसे आज हम यहाँ आए, नहीं तो हम पता नहीं आपको कब मिल पाते. तो इस हिसाब से हम ये निकले हैं. 5 दिन का सफर है, 2000 किलोमीटर 5 दिन में हम सफर तय कर रहे हैं. आज हमारा 5वां दिन है, आखिरी दिन है और हम 1600 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं.